फ्रेंड्स, अभिनव व्यूज में आपका स्वागत है। हमारा हमेशा से प्रयास रहा है कि विभिन्न टॉपिक्स पे बहुत अच्छा कंटेंट आपको बड़े कॉन्साइज और सार रूप में दिया जाए, ताकि आने वाले एग्जाम्स में, क्विज में आप उसका बेहतर उपयोग कर सकें। ऐसे ही प्रयासों के साथ खेलों की जानकारियां हम पुनः प्रस्तुत कर रहे हैं। ये सीरीज का दूसरा वीडियो है, इसमें टेनिस खेल के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स पे चर्चा करेंगे। इसको अवश्य देखें, पूरा देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभिनव व्यूज़ जो है ये हमारे जो नए नए संकलन हैं विभिन्न टॉपिक्स पर, उनको हम सीधे नोटिफिकेशन आपके द्वारा आपको मिलते रहेंगे इस सब्सक्राइब से। तो आइए टेनिस खेल पर हम अपनी चर्चा जारी करते हैं। टेनिस जो है वो सबसे पहले जो बहुत विश्व में काफ़ी प्रचलित रहा है, सबसे बड़े देशों में ये सब पहले से प्राचीन खेलों में शामिल रहा है। टेनिस ग्रैंड स्लैम में जो चार बड़ी टेनिस प्रतियोगिताएं होती हैं उनको हम ग्रैंड स्लैम बोलते हैं, जिसमें वर्ष में सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन आती है। इस वर्ष में आयोजित होने वाली ये प्रथम ग्रैंड स्लैम है, जनवरी और फरवरी के माह में आयोजित होती है। 1988 में मेलबॉर्न पार्क, इसको पहले फिंडर्स पार्क भी कहते थे, मेलबॉर्न शहर में आयोजित है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसका सबसे पहले निकनेम था इसका हैप्पी स्लैम। पहली प्रतियोगिता क्रिकेट मैदान जो था वहाँ का, वेयर हाउस क्रिकेट ग्राउंड था, 1905 में वहाँ पे आयोजित हुई थी। इसमें इम्पोर्टेंट ये था, और दिसंबर 18 से फाइनल में टाई ब्रेक इंट्रोड्यूस किया गया इसमें। दूसरी जो ग्रैंड स्लैम है क्रम दो में फ्रेंच ओपन, वो ऑफिशियली रोलैंड गैरो कहलाती है कॉम्पिटिशन, 1891 से आरंभ हुई थी। 1928 के बाद से स्टेडियम रोलैंड गैरो में हर साल आयोजित होने लगी। ये मई के अंत में शुरू होती है। ग्रैंड स्लैम क्रम की दूसरी प्रतियोगिता है। इसके ट्राईबैक फाइनल में नहीं रखे गए हैं, जबकि अन्य तीनों ग्रैंड स्लैम फॉर्मेट में ट्राईबैकर जो रहते हैं वो रखे जाते हैं फाइनल में। थोड़ा सा इस तरह से ये डिफरेंट है। 2006 से ये हर रविवार को शुरू करने का एक ट्रेडिशन सा बन गया है, और मई के अंतिम पखवाड़े में जो रविवार होता है उससे इसको स्टार्ट करते हैं। तीसरी प्रतियोगिता जो है वो विंबलडन, वो काफ़ी प्राचीन प्रतियोगिता है, 1877 से है, और इसको ऑल इंग्लैंड लॉन टेनिस एंड क्रॉकेट क्लब ने शुरुआत की थी। इसका जो शुरू होती है ये हर साल तीसरे क्रम पर होती है, जून जुलाई में, दो हफ्तों में इनका आयोजन, वो भी बड़ा स्पेशल तरह से होता है। ये प्रायः अंतिम सोमवार जो जून का रहता है उससे शुरू होती है, और जो दूसरा हफ्ता रहता है, दो हफ्ते का इसका टेन्योर है, तो उसका जो सैटरडे और संडे रहता है वीकेंड वहाँ का, उसमें तय फाइनल मैच होते हैं इसके, इसके साथ ये खत्म होती है एवरी ईयर। अच्छा, ड्रेस कोड भी बड़ा स्पेशल इसका, सभी खिलाड़ियों के लिए आवश्यक है वो सफ़ेद रंग की ड्रेस पहने। 2005 तक जो ऑफिशियल्स और जो बॉयज़ और रहते हैं बॉल टैली करने के लिए, बॉल बॉयज़ वगैरह, तो उनके लिए ग्रीन ऑफिशियल ड्रेस थी, जो अब वर्तमान में नेवी ब्लू और क्रीम कलर में कन्वर्ट कर दी गई। अच्छा, इसमें एक बड़ा रोचक तथ्य ये भी है कि इस टूर्नामेंट के दौरान ट्रेडिशनली स्ट्रॉबेरी और क्रीम कंज्यूम की जाती है, जिसका वॉल्यूम अभी पिछले उनमें कॉम्पिटिशन्स के दौरान 33 टन तक स्ट्रॉबेरी का उपयोग हुआ। ये बड़ा रोचक सा विषय है, क्योंकि ट्रेडिशंस को वहाँ का बड़ा फॉलो किया जाता है। और 2005 के बाद इसमें ट्राईबैक होते थे, होने लगे फाइनल फॉर्मेट में। यूएस ओपन जो है उसमें हार्ड कोर्ट वाला ये मॉडर्न वर्जन है, ये भी ओल्डेस्ट चैंपियनशिप है। मेन सिंगल्स और डबल्स पहली बार 1881 में इसमें खेले गए थे, और ये जो प्रतियोगिता है ये सब पहले बाहर होती थी, रोडे आइसलैंड आइलैंड है उसमें, न्यूपोर्ट कैशिनो है, न्यूपोर्ट में एक जगह है वहाँ पे, लेकिन 1915 से ये न्यूयॉर्क सिटी में खेले जाने लगे खेल, और 1968 से ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता बन गया। पहले ये लिमिटेड था क्लब मेंबर्स के लिए। अब बात करते हैं अपन प्लेइंग कोर्ट्स की, कि किस तरह के कोर्ट्स में खेली जाती है, क्योंकि ये बड़े डिफरेंट हैं, सब अपने अपने में स्पेसिफिक हैं। जैसे ऑस्ट्रेलियन ओपन के कोर्ट की बात करें तो वर्तमान में ये 1988 से हार्ड कोर्ट बन गया है, इनिशियली ये ग्रास कोर्ट था। 2007 से इसमें उपयोग में आ रहा है ब्लू कलर का एक कोर्ट है, जो फ्लेक्सी कुशन से बना हुआ है, एक्रिलिक सरफेस है ये। 1988 से पहले ये प्रतियोगिता सिंपली ग्रास कोर्ट पे हुआ करती थी, और उसके बाद 88 से 2007 से 2007 तक ये
ग्रीन रिबाउंड एश में होती रही, ये भी एक हार्डकोर का प्रकार था, लेकिन वर्तमान में 2007 ऑनवर्ड्स ये ब्लू कलर का पूरा मैदान ब्लू दिखता है फ्लेक्सी कुशन के कारण। ये हाईली अटेंडिंग इवेंट है, सबसे ज्यादा यहाँ पे उपस्थिति दर्ज की जाती है हर इवेंट्स में। यहाँ पे तीन तरह के कोर्ट हैं जिन जो आराम से इसमें क्षमता है इनको एकोमोडेट करने की, रॉड लीवर एरिना, मार्गरेट कोर्ट एरिना और मेलबॉर्न एरिना। इन कोर्ट की विशेषता है इनकी रिट्रेसेबल रूफ है, सबसे पहले यहाँ पे यूज की गई, पहले ओपन कोर्ट हुआ करते थे, उसके बाद अब ये गर्मी और ठंड से बचने के लिए इसमें इंडोर गेम की तरह इसका उपयोग में आने लगे हैं। ऐसा पहला ग्रैंड स्लैम बना था जो इंडोर की इसकी इसमें इस तरह उपयोग करने की इसमें रिट्रेसेबल रूफ का यूज किया गया था। अच्छा, इसके बाद अपन फ्रेंच ओपन देखते हैं। फ्रेंच ओपन का भी ग्राउंड बड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि जैसे इसकी ब्लू पूरा ग्राउंड है, फ्रेंच ओपन पूरा रेड है, रेड क्ले का बना हुआ ग्राउंड है। फ्रेंच ओपन है 1891 से लगातार होने वाली ये प्रतियोगिता है, 1928 में रोलैंड गैरो स्टेडियम से में से लगातार हो रही है। 1928 स्पेसिफिक इसलिए कि इसको डेविस कप के लिए बनाया गया था इस ग्राउंड को, उसके बाद से कंटिन्यूस इसमें फ्रेंच ओपन प्रतियोगिता हो रही है। अच्छा, ये लाल रंग का एक इकलौता कोर्ट है जो क्ले कोर्ट है, सब डिफरेंट डिफरेंट है, तो इकलौता क्ले कोर्ट है ये रेड कलर का। और नाम भी इसका बड़ा स्पेसिफिक है, क्योंकि इसके नाम की विशेषता ये है कि इसके प्रसिद्ध पायलट थे वहां फ्रांस के, रोलैंड गैरो। तो रोलैंड गैरो जो थे वो वर्ल्ड वार फर्स्ट के युद्ध में अगस्त 14 में एक जर्मन फाइटर प्लेन जेपेलिन को डिस्ट्रॉय करने का इनको श्रेय जाता है। ये पहला एयर वॉर ऑफ द वर्ल्ड कहलाया, इसी उन्हीं की याद में इसका नाम रोलैंड गैरो रखा गया, इनके ऑफिशियल मोनो में भी ये अंकित है। इस तरह विंबलडन जो है, विंबलडन की बात करेंगे, विंबलडन बड़ी प्रतिष्ठित प्रतियोगिता है, इंग्लैंड में होती है, लंदन में, लंदन के विंबलडन में। ये अब इकलौता ग्रास कोर्ट बचा है, 2009 से रिट्रेसेबल रूफ यहां पर भी यूज की गई, सेंट्रल कोर्ट में लगाई जाती है। पूरे कोर्ट में सेंट्रल कोर्ट इसलिए कहा जाता है कि इसके बाकी कोर्ट इसके आसपास हैं, जब तक कि ऑफिशियली इसका जो था चर्च रोड पर ट्रांसफर नहीं हो गया था क्लब, तब तक के ये यहाँ पर जो बाकी जितने भी कोर्ट थे वो इसके इर्द गिर्द होने से वो सेंट्रल कोर्ट बोलते हैं जो मेन कोर्ट है। पूरे कोर्ट की विशेषता ये है कि इसमें कोई भी प्रचार सामग्री होल्डिंग्स नहीं लगाए जाते, केवल जो रोलेक्स वॉच है, जो टाइम इक्विपमेंट्स हैं वो भर वहाँ पे दिखाई देते हैं, बाकी कोई भी किसी तरह का वहाँ पे नहीं रहता प्रचार सामग्री या होल्डिंग्स एटसेट्रा। इसमें विंबलडन में पहले 100% जो ग्रास है वो पेरिनियल राई ग्रास लगाई जाती है, ये स्पेशल ग्रास है, 2002 से लगाई जा रही है, जबकि यूएस में 1975 के बाद से ग्रास कोर्ट हटा दिया गया है और ग्रीन क्ले का उपयोग किया गया, बाद में वो भी हटा दिया गया और अभी डेकोटर्फ का हार्ड कोर्ट यूज किया जा रहा है। ऑस्ट्रेलियन ओपन ने भी 1988 से ग्रास हटा दी थी और हार्ड कोर्ट का यूज शुरू कर दिया था, यहां अभी भी स्टिल स्पेसिफिकली ग्रास यूज की जा रही है। अच्छा, यूएस ओपन की बात करें तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हार्ड कोर्ट सरफेस पे खेला जाने वाला है, इसका जो सरफेस है वो प्रो डेको टर्फ है, रंग इसका ब्लू रखा गया है, जहां लाइन्स होती हैं उसके जहां प्ले होता है उस लाइन्स के अंदर का जो कलर है वो ब्लू है, जबकि बाहर कोर्ट लाइन के बाहर का जो रंग है वो ग्रीन कलर से पेंटेड रहता है, ये ट्रेडमार्क की तरह हो गया है। यानी आप जब भी ब्लू पूरा ब्लू देखें तो डेफिनेटली ऑस्ट्रेलियन का ग्राउंड है, रेड है तो ब्रिटेन का, ये विंबलडन का मैदान है, फ्रेंच ओपन का मैदान है, और विंबलडन मतलब ग्रीन ग्रास कोर्ट है, और यूएस ओपन में बीच में ब्लू है, लाइंस के बाहर ग्रीन कोर्ट है। बड़े स्पेसिफिक हैं इनके ग्राउंड्स, इसलिए इसका मैंने जिक्र किया डिटेल में। मेन कोर्ट जो है यूएस ओपन का वो आर्थर एश स्टेडियम है, जो 1997 से उपयोग में लाया जा रहा है, 2016 में इसमें भी एक रिट्रेसेबल रूफ लगा दी गई ताकि वो इंडोर स्टेडियम की तरह यूज हो। ये जो नाम था इसका आर्थर एश, ये 1968 में जो पहली बार ओपन प्रतियोगिता हुई, जब से इसको ओपन किया गया ऑफिशियली यूएस ओपन को, तो उस प्रतियोगिता के जो विनर थे वो एक अफ्रीकी अमेरिकन आर्थर एश थे, इनके नाम से ही ये स्टेडियम का नाम रखा गया है। दूसरा बड़ा स्टेडियम जो है वो लुइस आर्मस्ट्रांग के नाम पर है, लुइस आर्मस्ट्रांग वहाँ का जो दूसरा बड़ा स्टेडियम है इसका। अब हम बात करेंगे कि इनके स्टार्ट ईयर्स कब थे। ऑस्ट्रेलियन ओपन जो थी 1905 से स्टार्ट हुई है और ये इसका 107वां एडिशन है। 1988 में मेलबर्न पार्क में इसका फिक्स वेन्यू, 1988 के बाद से मेलबर्न पार्क में फिक्स वेन्यू पे खेली जाने लगी और 1969 से ऑफिशियली ओपन प्रतियोगिता हो गई, जिसमें आप सारे एमेचर और प्रोफेशनल्स भाग ले सकते हैं। पहले केवल वहाँ पे न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया वाले क्षेत्र में उनकी इंटरनल प्रतियोगिता थी ये,
आफ्टर 1968 इट्स ओपन ऑस्ट्रेलिया ओपन। अच्छा, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग ये थी कि जो टेनिस प्रतियोगिता शुरू हुई थी क्रिकेट के मैदान से शुरू हुई थी, उस मैदान का नाम वेयर हाउस क्रिकेट था ग्राउंड। और इसी तरह फ्रेंच ओपन की अपन बात करें तो 1891 से शुरू हुआ था और इसका ये जो अभी एडिशन हुआ ये 123rd एडिशन था। ये प्रतियोगिता इसमें पहले महिला एकल वुमेन सिंगल जो जोड़ा गया उसमें 1897 से जोड़ा गया, 1902 में इसमें मेंस डबल भी जोड़ दिया और 1907 से महिला डबल्स का फॉर्मेट भी इसमें जोड़ दिया गया। विंबलडन प्रतियोगिता जो है वो 1877 से ये सबसे ओल्डेस्ट टूर्नामेंट कहलाता है। इसका ये 133rd एडिशन है, 133वां संकलन है। और 1884 से लेडीज सिंगल्स जुड़ा इसमें, जेंटलमैन्स डबल भी 1884 से जुड़ा, 1913 से लेडीज डबल्स और मिक्स की भी शुरुआत इसमें हो गई। इंटरेस्टिंग बात यह कि 1975 से ये भी ओपन प्रतियोगिता हो गई, पहले वो क्लब तक सीमित थी और यूके के जो एलिट पर्सन्स थे उनके लिए ओपन था केवल, 75 से एम्यूचर्स के लिए ओपन कर दी गई। यूएस ओपन जो है वो न्यूपोर्ट कैसिनो रोडे आइलैंड जैसा मैंने अभी बताया था यहाँ 1881 से लगातार होती आ रही थी, लेकिन 1915 में न्यूयॉर्क सिटी से मैं खेली जाने लगी काफ़ी लोगों की डिमांड पर और 1968 से ओपन ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता बन गई। हम अब प्राइज मनी की इसकी बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन में सबसे ज़्यादा प्राइज मनी है, 62 मिलियन ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स इसकी वो है। फ्रेंच ओपन में 42 मिलियन यूरो रखा गया है इसका प्राइज मनी, टोटल सम्मिलित प्राइज मनी है ये। जैसे सिंगल्स को 2.2 मिलियन यूरोस दिए जाते हैं, डबल्स को 5.6 लाख यूरो दिए जाते हैं और मिक्स्ड में 1.2 लाख यूरो दिए जाते हैं और टोटल जो प्राइज मनी जितने विजेताओं को दी जाती है दैट इज ऑल अबाउट। अब तीसरा हम बात करते हैं कि इनके अलावा भी जो हैं इसमें कुछ स्पेशल प्राइजेस रखे जाते हैं, जैसे कि फ्रेंच ओपन में प्रिक्स ऑरेंज, प्रिक्स सिट्रॉन, प्रिक्स बॉर्गियन, ये ऐसे रहते हैं। जैसे कि ऑरेंज जो रहता है प्रिक्स ऑरेंज वो कॉपरेटिव बेस्ट प्लेयर जो रहता है उसको दिया जाता है, सिट्रॉन जो है स्टेज जिसका स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर रहता है बहुत डैशिंग सा खिलाड़ी होता है उसको सिट्रॉन वो देते हैं। इस तरह के एक्स्ट्रा अवार्ड्स और राशियाँ भी अवार्ड की जाती हैं। बड़े इसमें खास बात यह कि 2007 से फ्रेंच ओपन में ना महिला और पुरुष एकल को दोनों को बराबर राशि दी जाने लगी। इसी तरह विंबलडन 34 मिलियन पाउंड्स यूएस, 53 मिलियन यूएस डॉलर्स ओपन में दी जाता है। अब हम बात करेंगे ग्रैंड स्लैम में मेन सिंगल्स विनर जो रहे हैं, तो इन ग्रैंड स्लैम्स के विनर्स बड़े प्रेस्टिजियस माने जाते हैं अवार्ड्स जो रहते हैं, तो इसमें हम विनर्स की बात करेंगे। नोवाक जोकोविच ये सर्बिया के हैं, ये 17 मेजर सिंगल्स जीत चुके हैं और ऑस्ट्रेलियन ओपन की बात करें तो 7 ऑस्ट्रेलियन ओपन इन्हें अभी तक जीते हैं। फ्रेंच ओपन में इस साल 19 के विजेता हैं राफेल नाडेल जो स्पेन से हैं, 18वां मेजर सिंगल्स है इनका और 12 बार ये फ्रेंच ओपन जीत चुके हैं। विंबलडन को जीतने में भी नोवाक जोकोविच कामयाब रहे जो सर्बिया से ही हैं। और यूएस ओपन अभी हुआ नहीं है क्योंकि इसका जो होने का जो समय होता है वो सबसे लास्ट श्रृंखला है ये अगस्त सितंबर 2019। 18 के विनर जो थे वो नोवाक जोकोविच थे। अब महिलाओं की बात करें वुमेन सिंगल में जो विनर्स हैं तो उनमें ऑस्ट्रेलिया ओपन में जो हैं वो नाओमी ओसाका ये जापान की प्लेयर हैं, ये फर्स्ट एशियन टॉपर हैं जो रैंक फर्स्ट जिनको मिली कभी और सेकेंड ग्रैंड स्लैम इनका है ये, 2018 में ये यूएस ओपन भी जीती हैं और WTA सेकंड रैंक इनकी है। फ्रेंच ओपन है ना एशले बार्टी हैं, ये ऑस्ट्रेलियन है। अच्छा, इनके साथ क्या खास बात है कि ये फर्स्ट ग्रैंड स्लैम है इनका, लेकिन इनकी रैंक फर्स्ट है WTA ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया से जिनको मिली है ये। और ये ऐसी दूसरी महिला हैं, पहली महिला थी इवोने कावले और मार्गरेट कोर्ट के बाद ये दूसरी ऑस्ट्रेलियन है जिनने फ्रेंच ओपन जीती है, इनके साथ ये विशेषता है। और जो विंबलडन ओपन जिन्होंने जीता है वो है सिमोना हॉलेप, ये रोमानिया की हैं, 2017 to 2019 ये दो बार WTA रैंक फर्स्ट रह चुकी हैं। दूसरा ग्रैंड स्लैम है इनका, 2018 में इन्हें फ्रेंच ओपन 19 में जीता था। इसके बाद यूएस ओपन जो है अभी होने वाला है, लास्ट ईयर के जो विजेता हम बात करेंगे उसमें वुमेन सिंगल्स में नाओमी ओसाका जो जापान की थी वही इसमें जीती हैं। अब हम बात करेंगे कि जिनने मोस्ट टाइम्स विन किए हैं ये ग्रैंड स्लैम्स, तो ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे ज़्यादा जीता है नोवाक जोकोविच ने, सर्बिया के 7 बार जीता है,
फ्रेंच ओपन राफेल नाडल स्पेन के 12 बार जीता है इनने, विंबलडन रोजर फेडरर स्विस के हैं ये 8 बार जीता है, यूएस ओपन जो है तीन लोग हैं इसमें जो 7 बार जीत चुके हैं, रिचर्ड सियर्स, विलियम लर्नर, बिल टिल्डन, ये अमेरिकन से तीनों। और इसमें एक खास बात और है कि अप्रैल 83 से जुलाई 98 के बीच में मार्टिना नवरतिलोवा और पाम शाइवर की बहुत फेमस जोड़ी थी जिन्हें 20 बार ग्रैंड स्लैम जीते थे, और उसके साथ एक और स्पेसिफिक ये जुड़ा हुआ है कि 109 बार इन्हें लगातार डबल्स जीते थे, बड़ी फेमस जोड़ी हुई थी लंबे समय तक। विनर्स ऑफ ग्रैंड स्लैम में हम वुमेन्स का देखते हैं तो जैसा कि मैं बात कर रहा था, ऑस्ट्रेलियन ओपन में मार्गरेट कोर्ट थी 11 बार, इंडिविजुअल गेम की बात हो रही है ऑस्ट्रेलियन ओपन। उसके अलावा फ्रेंच ओपन में क्रिस एवर्ट यूएस की हैं 7 टाइम्स, विंबलडन मार्टिना नवरतिलोवा यूएस 9 बार, यूएस ओपन मालोआ मोलरी यूएस 8 टाइम्स। अब हम भारत की बात करें, भारत में टेनिस का क्या योगदान रहा, भारत में जो टेनिस प्लेयर्स हुए हैं उनने भी काफ़ी अच्छे योगदान दिए हैं इसमें और काफ़ी नाम कमाया है इस पूरी श्रेणी में। तो हम देखते हैं इसमें लिंडर पेस का नाम आता है, महेश भूपति, सानिया मिर्जा, रोहन बोपन्ना, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो ग्रैंड स्लैम में अपना विजेता रहे हैं कभी ना कभी किसी तरह से। लिंडर पेस की बात करें तो ये पद्मश्री, पद्म भूषण और 1990 के अर्जुन अवार्डी हैं, 8 डबल्स और 10 मिक्स्ड डबल्स जीत चुके हैं ग्रैंड स्लैम्स में उनके बाकी करियर के अलावा, जिसमें 99 का वो रेयर कॉम्बिनेशन भी है जिसमें उन्हें मेंस डबल जीती थी महेश भूपति के साथ विंबलडन, और विंबलडन की ही 99 की मिक्स डबल जीती थी लीजा रेमंड के साथ जो यूएसए की हैं। इनकी माता बहुत फेमस हैं, 1972 की ओलंपिक प्लेयर रही हैं, भारतीय बास्केटबॉल टीम की कैप्टन रही हैं जेनिफर पेस इनके बेटे हैं, और पिता भारतीय हॉकी खिलाड़ी के थे वेस पेस। नेक्स्ट हम महेश भूपति भी एक बहुत जाना माना नाम है टेनिस में, भारतीय टेनिस का जो हस्तक्षेप रहा है ग्रैंड स्लैम्स में, ये पहले ऐसे भारतीय थे जिनने कोई भी ग्रैंड स्लैम जीता था, पहली बार ये सौभाग्य भारत को मिला था इनके माध्यम से 1997 में जब जापान की रिका हिराकी के साथ इन्हें मिक्स डबल्स जीता था फ्रेंच ओपन में, ये पहला ग्रैंड स्लैम मिला था। और महेश भूपति जो है वो अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियर टेनिस लीग के संस्थापक भी हैं, इनके डबल्स 4 हैं, मिक्स्ड डबल्स 8 बार जीते हैं, दिसंबर 16 से इनका एक अलग भी है डेविस कप में लगातार खेलते रहे, तो डेविस कप में भारत के नॉन प्लेइंग डेविस कप कैप्टन हैं जो अभी अनंत अमृत राज जी के बाद बने हैं। अच्छा, इनकी पत्नी जो है वो अभिनेत्री लारा दत्ता हैं जो 2000 में मिस यूनिवर्स थी, दूसरी भारतीय महिला थी जो मिस यूनिवर्स बनी थी, 2011 में इनका उनके साथ विवाह हुआ था। बात करते हैं सानिया मिर्जा की, ये भी एक प्रतिष्ठित खेल पर्सनालिटी हैं, पूर्व में वर्ल्ड रैंक 1 रही हैं, डबल्स श्रेणी में 6 ग्रैंड स्लैम जीते हैं, 2004 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला है, 2006 पद्मश्री, पद्मभूषण 2016 और बहुत ही प्रतिष्ठित राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2015 में इन्हें प्राप्त किया है। जूनियर विंबलडन डबल्स की विनर रही हैं, इनके पति शोएब मलिक पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं। रोहन बोपन्ना भी भारतीय टेनिस का जगमगाता सितारा है, 2002 से भारतीय डेविस कप टीम में है, 2017 के फ्रेंच ओपन मिक्स डबल्स के विजेता हैं, कनाडा की गैब्रियला दोरोस्की के साथ इन्हें फ्रेंच ओपन 2017 में जीता था। हम देखते हैं कि इसके अलावा इंडिया जो है ग्रैंड स्लैम में काफ़ी पहले से है, जब रामनाथन कृष्णन जो थे वो जूनियर विंबलडन हम लोगों का हस्तक्षेप काफ़ी समय से रहा है, 1954 में रामनाथन कृष्णन जूनियर विंबलडन विनर रहे, फिर 1979 में रमेश कृष्णन उनके पुत्र थे वो जीते, 1990 में लिएंडर पेस ये जीत करके लाए थे जूनियर विंबलडन विनर रहे गोल्ड मेडलिस्ट, 2003 में सानिया मिर्जा ने डबल्स में जीता था अलीशा क्लेगी बोर्नोवा रशिया की हैं इनके साथ। ऐसा ही इंडिया में जो ग्रैंड स्लैम है उसमें समय समय पर बहुत बार ऑस्ट्रेलिया ओपन में जाते रहे, हमारे पास मेंस सिंगल्स का खिताब एक भी नहीं है लेकिन मेंस डबल्स में हम समय समय पर जाते रहे, इसमें एक लंबी फहरिस्त है, जैसे ऑस्ट्रेलिया ओपन की आप देख सकते हैं इसमें 7 लोगों के नाम आ रहे हैं, जिसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट हो जाता है 2003 सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन में भारत में कब लाया, तो 2003 में लिएंडर पेस ने मार्टिना नवरतिलोवा लोवा के साथ में अमेरिका की हैं इनके साथ मिक्स डबल्स में सबसे पहली बार जीता था, फिर समय समय पर हमारे पास ये खिताब आते रहे, 2006 भूपति महेश भूपति मार्टिना हिंगिस स्विस, इस तरह से हमारा कम ये
सात जो किताब हैं ये हमारे पास अभी तक ऑस्ट्रेलियन ओपन विनर्स में आ चुके हैं अलग अलग फॉर्मेट में। इसके बाद हम देखते हैं कि फ्रेंच ओपन में भी इस तरह से चार तीन सात हमारे पास अवार्ड आ चुके हैं, मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स के हैं। सबसे पहली बार हमने फ्रेंच ओपन जो जीता था वो 1997 में महेश भूपति, जैसा कि मैंने अभी बताया था, पहली बार रिका हिराकारी के साथ जापान में इन्हें जीता था। और इसी तरह फ्रेंच ओपन के बाद हमने विंबलडन में भी हमारा हस्तक्षेप रहा, इंडिया का शानदार हस्तक्षेप रहा है। इसमें हमने आठ बार हम विनर रहे हैं, लेकिन संयोग से ये सभी डबल्स में रहे हैं। और 99 में पहली बार जब उन्हें ऐतिहासिक रूप से लिंडर पेज ने दो बार एक साथ जीता था, ये उस समय की बात है जब हम विंबलडन में हम लाए थे महेश भूपति के साथ मेंस डबल और लीजा रेमंड के साथ मिक्स डबल्स लेके आए थे विंबलडन में। यूएस ओपन में भी हमारा अच्छा रिकॉर्ड है, भारत का ट्रैक रिकॉर्ड, पूरे 9 बार हम इसमें विनर रहे हैं मेंस डबल्स और मिक्स डबल्स मिला करके। सबसे पहली बार यहाँ पर भी महेश भूपति और ए सुगियामा जो जापान की थी उनके साथ मिक्स डबल में पहली बार हमारे पास यूएस ओपन आया था। हम देखते हैं कि एशिया में जो एशियन गेम्स होते हैं उसमें भी इंडिया जो है वो टेनिस गेम में काफ़ी आगे रहा है, लंबी फहरिस्त है इसमें भी। तो 2010 में मेन सिंगल्स हम इसमें जरूर प्राप्त कर सके, ग्वांगझू में जो हुआ था 2010 में सोमदेव देवरमन जो थे उनको गोल्ड मेडल मिला था। उसके अलावा मेंस डबल में 94, 2002, 6, 2010, 2018 ये डिफरेंट जो हिरोशिमा, दोहा, ग्वांगझू और जकार्ता के जो थे उसमें हमारे पास काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड, ट्रैक रिकॉर्ड है हमारे पास। मिक्स डबल्स भी हमें दो बार मिले। टीम इवेंट्स में हमारी टीम जो थी 1994 हिरोशिमा में जीशान अली के नेतृत्व में हमने ये टीम इवेंट भी जीता था। इसके अलावा टेनिस में कुछ बड़े स्पेशल मोमेंट भी हुए हैं भारत की तरफ से, जैसे ओलंपिक 1996 में लिएंडर पेज ने ब्रॉन्ज मेडल जीता अटलांटा ओलंपिक में। ये ऐसा मेडल था जो 16 साल बाद आया था, लास्ट मेडल भारत ने ओलंपिक में तब 1980 में जीता था हॉकी का मेडल, उसके बाद लिएंडर पेज पहले व्यक्ति थे जो किसी भी तरह का कोई मेडल लाए थे, ब्रॉन्ज मेडल 1996 इन टेनिस। ऐसे ही डेविस कप में जो डेविस कप ऐसा वो है जो देशों की टीमों के बीच में होता है, इसमें जो है भारतीय टीम 3 बार ऐसा मौका आया जब वो फाइनल तक पहुंची थी, 1966, 1974 और 1987। इसमें सबसे महत्वपूर्ण था 1974 का, जब लगभग तय था कि भारत को इसमें जीतना था, लेकिन भारत ने फाइनल में अपरथाइट या जिसको रंगभेद नीति होती है उसको साउथ अफ्रीका की रंगभेद नीति के विरुद्ध में उस फाइनल को छोड़ दिया था। बहुत महत्वपूर्ण मौका था जब डेविस कप हमारे हाथ में होता। अभी तक हम रनर रहे हैं 3 बार, अभी तक ये जीत नहीं पाए हैं। ये जो डेविस कप है ये राष्ट्रीय टीमों के बीच में होता है। इसी का जो वुमेन फॉर्मेट है, वुमेन इक्विवेलेंट फॉर्मेट, वो है फेडरेशन कप है। और जो मिक्स्ड फॉर्मेट है, मिक्स टीम का थर्ड कॉम्पिटिशन जो है वो हॉफमैन कप है, जो वर्ल्ड में तीनों बड़े प्रतिष्ठित हैं, डेविस कप, फेडरेशन कप और हॉफमैन कप। और चेक गणराज्य एकमात्र ऐसा देश है जो 2012 में उसने तीनों प्रतिस्पर्धाएं जीती थी। बाकी इसमें हमारे काफ़ी प्लेयरों का अच्छा योगदान है। लिएंडर पेस 27 वर्ष खेलते रहे, 90 विन है उनकी। रामनाथकृष्णन 50 विन्स हैं। भूपति जो हैं महेश भूपति 25 डबल्स इसमें खेल चुके हैं। तो फ्रेंड्स ये टेनिस के बारे में हमारा कुछ थोड़ा एनालिसिस था जो हम चाह रहे थे कि सार रूप में आपके सामने रखें। निश्चित रूप से आप इससे लाभान्वित हुए होंगे। और इस अभिनव व्यू में हमारा प्रयास है कि हम ऐसे बहुत अच्छे अन्य विषयों पर भी, अन्य खेलों पर भी ये जानकारी हम शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराएंगे। तो इसको लगातार देखते रहें और सब्सक्राइब करें ताकि हम हमारी आप तक ये जानकारियाँ तुरंत पहुँचें। लाइक करें और कमेंट अवश्य करें ताकि हम इसमें और आवश्यक सुधार करें। धन्यवाद।